हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल एसएसटी के क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको ऑफिशियल सिलेबस में एसएसटी का सिलेबस दिया गया, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आपको ये सारे टॉपिक एसएसटी के लिए पढ़ने हैं, लेकिन इन सारे टॉपिक को आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। और इसमें आपका पहला टॉपिक हिस्ट्री का पहला टॉपिक दिया गया है, कब कहाँ और कैसे, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है आपका प्रारंभिक समाज, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक है कृषक व पशुपालन। आज हम आपके एसएसटी का फोर्थ टॉपिक जो आरंभिक नगर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वो सारी वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर आने वाले सारी वीडियो के आपको रेगुलर वेब पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको सीडीपी की, ईवीएस की, साइंस की, मैथ की, हिंदी की सारी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रही हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर के बारे में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसके कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए थे किस नदी के तट पर स्थित हैं, हड़प्पा सभ्यता में उद्योग कैसा था, व्यापार उनका कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ पे पूजा किसकी करते थे, मातृ देवी की क्या पूजा करते थे, कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, कौन से पुरा स्थल, कौन से अवशेष प्राप्त हुए, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आरंभिक नगर। तो जैसे मैंने इससे पहले आपको समझाया था क्या हो रहा था, तो ग्रामीण सभ्यता थी सबसे पहले जो मानव था, आरंभिक मानव कैसा था, वो कैसा कबीलाई टाइप का जीवन निवास कर रहा था, धीरे धीरे उसके जीवन में क्या हो रही थी, अस्थिरता से स्थिरता आ रही थी। अब धीरे धीरे स्थिरता आती और लेकिन जब ये हड़प्पा सभ्यता आई तो अब लोगों के जीवन में स्थिरता के साथ साथ क्या हो गया था, एक नगरीय सभ्यता हो गई थी, जिससे इसके आगे आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता आपकी क्या, ग्रामीण सभ्यता है। तो कई बार पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब आप नगर किस क्षेत्र को कह सकते हैं, नगर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 75% से अधिक जनसंख्या औद्योगिक कार्यों से जुड़ी होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम वगैरह में मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तब इन सारे टॉपिक को, इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि नगर कैसा क्षेत्र है, गाँव किस क्षेत्र को कहेंगे। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला गया, कांस्ययुगीन सभ्यता। लेकिन अगर कभी पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस धातु का प्रयोग होता था, तो आपका कॉपर था, तांबा था। तांबा एक ऐसी धातु थी जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन पहली बार किस धातु का प्रयोग हुआ था, कांस्य का, इसी कारण इसे क्या बोला गया, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई थी, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन पर 1921 में सर जॉन मार्शल ने उत्खनन के दौरान प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, रेल का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ से इस जो अवशेष प्राप्त हुए तो वहाँ से कुछ ईंटें लाई गई, फिर धीरे धीरे उनका और उत्खनन हुआ तो वहाँ पे एक नगर के बारे में पता चला। और सर्वप्रथम किस नगर की खोज की गई थी, तो आपका था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपको मैंने इससे पहले जब पढ़ाया था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, किन दो क्षेत्रों में था या कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार था, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर के मांडा, जो वर्तमान का जम्मू कश्मीर है यहाँ उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में आपका क्या था, महाराष्ट्र तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर और पश्चिम के अफगानिस्तान के सुतकंडोगोर तक था। जैसे कह रहे उत्तर में कहाँ पे तक था, तो उत्तर में आपके मांडा तक था, ठीक है।
और पूर्व में कहाँ तक था? तो पूर्व में आलमगीर तक था आपके। पश्चिम में कहाँ तक था? सुतकंडोर है कहाँ पे? वर्तमान के अफगानिस्तान में। और दक्षिण में कहाँ तक था? तो दक्षिण में आपके दाइमाबाद तक था। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि पूर्व में इसका विस्तार कहाँ से तक, या पश्चिम में कहाँ तक था, या वर्तमान में स्थान कहाँ पर स्थित, जैसे आलमगीर तक पूर्व में था तो पूछ सकता है आलमगीर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके सीटेट एग्जाम में इन विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो इस पॉइंट को याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का समाज आपका कैसा था? मातृसत्तात्मक था। जैसे सामान्यतः आप देखते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ समाज कैसे होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज आपका मातृसत्तात्मक था। और भवन निर्माण में क्या करते थे? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जिसका आपके एनसीईआरटी के बुक में इसकी इमेज दी गई है कि भवन निर्माण में किस तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। तो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा सड़कें जो उनकी थी, सड़कें आपस में क्या होती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पॉइंट को याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं कि सड़कें कैसी थी, तो सड़कें क्या करती थी? आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार की थी। और जल निकास की उचित व्यवस्था थी। इस पॉइंट को याद रखने की जल निकास की कैसी व्यवस्था थी? तो जल निकास के लिए उचित नालियों की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में कला कैसी थी, ये उद्योग कैसा था, इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की कला में, कला में सबसे बड़ा एक साज मिला था मृदभांड। अब मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं। उसमें क्या होता था? लाल रंग की मिट्टी के बर्तन होता था, तो उसमें उसमें चित्रकारी करते थे, जिसे आप क्या बोलते थे? मृदभांड कहते थे। और यहाँ पे क्या हुआ? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो किसकी बनी थी? कांस्य धातु की। तो उस टाइम में क्या था? मूर्ति कला का प्रचलन था। और अगर पूछते हैं मूर्ति जो बनी थी किस कला से बनी थी, तो भ्रष्ट मोम पद्धति से बनी थी। भ्रष्ट मोम पद्धति क्या होती है? भ्रष्ट मोम पद्धति में क्या करते हैं? एक सांचा बनाते हैं, उसमें उस धातु को पिघला के डाल देते हैं, फिर उससे मूर्ति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए थे, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ आभूषणों के चित्र दिए हुए हैं। कह रहे ये सब क्या हुए थे? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए थे। चलिए अगला हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योग कैसा था, उनका जो व्यापार था कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य उद्योग था, तो कपड़ा उद्योग था। कपड़ा उद्योग मुख्य उद्योग क्यों था? क्योंकि आप सबको पता है दलहन तिलहन गेहूँ जौ इन सब के उत्पादन के साथ साथ क्या हुआ था? कपास का उत्पादन भी करते थे। अब जब कपास का उत्पादन करते थे तो वस्त्र उद्योग भी था। जैसे आरंभिक मानव के बारे में मैंने आपको सब समझाया था, तभी से क्या हो गया था? कपास उत्पादन तभी प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे कपास बहुत मात्रा में उत्पादन होता था, इसीलिए वस्त्र उद्योग आपका प्रमुख उद्योग था। आयात निर्यात का भी प्रचलन था। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत सारी चीज़ें आयात भी करते थे दूसरे देशों को, और बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से मंगाते भी थे। एक पश्चिमी देश था ओमान। ओमान से क्या होता था? तांबे का आयात होता था। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबे धातु का। तो पूछ सकते हैं तांबे धातु का आयात किस देश से करते थे? तो किससे करते थे? एक पश्चिमी देश है आपका ओमान। ओमान से क्या होता था? तांबे का आयात करते थे। और जो बाट प्रयोग करते थे, क्योंकि व्यापार हो रहा है तो बाट का जरूरत पड़ेगी, तो व्यापार के लिए जो बाट प्रयोग करते थे, उनका बाट किस पत्थर से बना था? चैट पत्थर का बना था। ये आपके एनसीईआरटी बुक में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इनके जो बाट बने हुए थे, ये बाट किसके पत्थर के बने हुए थे? तो चैट पत्थर के। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा भी है कि इनके जो बाट बने हुए थे चैट पत्थर से बने हुए थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन कैसा था। कि यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण परिवेश भी था जहाँ पे कृषि और पशुपालन होता था। क्योंकि जब तक कृषि नहीं होगी तो अनाज कहाँ से प्राप्त होगा? जिससे आप मान लीजिए इंडिया, इंडिया को जैसे भारत को क्या बोलते हैं? गाँवों का देश कहते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि भारत में सब जगह गांव ही गांव हैं। भारत में नगर भी है, मुंबई दिल्ली जैसे सिटी भी है, ठीक है, महानगर भी। तो ऐसा नहीं कह सकते भारत को गाँव का देश कहते हैं तो भारत में नगर ही नहीं है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया,
क्योंकि यहाँ पे क्या था, नगर का ज़्यादा थे 75% से अधिक जनसंख्या अगर औद्योगिक कार्यों से जुड़ी होती तो हम उस क्षेत्र को नगर कहते हैं। तो लेकिन इसमें क्या थे, कुछ गांव भी थे जहाँ पे कृषि करती थी जन, वहाँ पे पशुपालन होता था। तो ये पूछ रहे हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। पहला साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा सभ्यता में आपको लकड़ी के बने हल की प्राप्त हुई है। इससे आपकी दो चीज़ें पता चलती है, पहली तो क्या होता है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर कृषि होती थी। सेकेंडली क्या होता था, अभी तक इन्होंने कोई लोहा धातु की खोज नहीं की गई। आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा की प्राप्त हुई थी, नहीं हुई थी, क्योंकि आपको जो हल मिला है कृषि में प्रयुक्त किया जाने वाला एक उपकरण होता है हल, जिससे क्या करते हैं खेत की मिट्टी की जुताई वगैरह करते हैं। वो जो हल प्राप्त हुआ किस धातु, किसका बना हुआ था, तो लोहे के स्थान पर लकड़ी के बना हुआ प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में लोहा धातु की खोज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा कृषि और पशुपालन के भी अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत सारे जानवरों के सींगे हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कृषि के कुछ अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कृषि और पशुपालन भी होता था। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन इनका कैसा था। धार्मिक जीवन में क्या, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी क्या तत्पर क्या होता है, जो नेचर होती उसकी पूजा करते थे। और लोक कला के रूप में घर घर में क्या होता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिनकी पूजा करते थे। लेकिन मंदिर निर्के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। जैसे आप देखते हैं मंदिर बने हुए थे, हड़प्पा की सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। और स्वास्तिक चिन्ह, जो आप जानते हैं कि हमारा स्वास्तिक चिन्ह ये जो होता है ये किसके देन है, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। और इसी आधार पर यहाँ पे एक चक्र बना हुआ भी प्राप्त हुआ था, जिस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा वासी क्या, भूत प्रेत जादू टोना आदि में भी विश्वास करते थे। तो कई बार अगर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को के जो लोग थे उन्हें भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास था कि नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास था। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पे आपका विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, लोथल बंदरगाह के बारे में। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ पूछेगा सिंध भाषा में, तो सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इस पॉइंट को याद रखना। और यहाँ पे क्या हुआ, विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे कभी पूछते हैं विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं धौलागिरी के बारे में। धौलागिरी कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि धौलागिरी आपके गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से साक्ष्य किसके मिले, तो हड़प्पा लिपि के, जिनकी हड़प्पा लिपि के यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे, धौलागिरी से। सेकंड आप थर्ड आपका है लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। गुजरात में किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर, इस पॉइंट को याद रखना। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। लोथल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, तो लोथल से आपके चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर आपसे कभी पूछते हैं कि चावल उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। आप चलिए हमारा नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मोहर निर्माण किस कहाँ प्राप्त हुआ है। तो यहीं पे आपका क्या हुआ, मोहर निर्माण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे आपको पता है कि जब व्यापार करते थे उसके लिए क्या करते थे, मोहर का मुद्रा आदि का भी करते थे। इन मोहरों का प्रयोग किस लिए करते थे, तो मोहर का प्रयोग करते थे सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, जैसे बंद कर देते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, गीली मिट्टी को पोतकर उन पर मोहर लगा दी जाती थी। इसे मोहर को क्या बोलते थे, छाप या मोहर बंदी कहते थे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से बंद किया, तो यहाँ पे क्या करते थे, मोहर लगाते थे, गीली मिट्टी को लगा दी फिर इसमें मोहर लगा दी। अगर क्या होती थी, छाप टूटी नहीं है, तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। अगर वो गीली मिट्टी की छाप टूट गई, तो इससे साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़, उसको निकालने या दिखने का प्रयास किया गया जो सामान भेजा जा रहा था। इसीलिए क्या करते थे, मोहरों का प्रयोग करते थे। अब अगला हम पढ़ते, कालीबंगा से किसका प्राप्त है। तो कालीबंगा पहले स्थित कहाँ पे, तो वर्तमान के राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से क्या हुआ था, आपके लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इस तरह से आज आपका जो चैप्टर था आरंभिक नगर,
जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके सीटेट एग्जाम को ध्यान में रख के, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या इस तरह से पूछे जाने की संभावना, या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एनसीईआरटी बुक में, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही, हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस, प्राइमरी लेवल की ईवीएस की, ईवीएस पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।